क्या नाम है आपका? आशुतोष सुमन। आपने लॉकडाउन में जो कोरोना काल चला उसमें आपकी पढ़ाई किस प्रकार से रही? पढ़ाई जैसे पहले होती थी उस हिसाब से रेगुलर होती थी, लेकिन इस बार चेंज ये था कि जो हमें पढ़ाई करवाई गई है वो ऑनलाइन क्लासेस के रूप में करवाई गई है। जो हमारे ई लेक्चरर थे उसके लिए सर ने व्हाट्सअप ग्रुप बनवाया था, उस पर हमें ई कंटेंट PDF के रूप में भेज दिया जाता था। तो पूरे कोरोना काल में रेगुलर पढ़ाई हुई है नियमित रूप से, हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आई है। अगर किसी ई लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आई है तो हमने सर से मोबाइल पे बात करके उसका समाधान कर लिया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं BSc फाइनल ईयर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपको मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस ऑनलाइन करवाए गए थे यूट्यूब के माध्यम से, आप बता रहे हैं ई कंटेंट के माध्यम से, तो वो सारे एकदम क्लियर रूप से समझ में आ गए थे? नहीं, कुछ कुछ में दिक्कत आई थी, तो उसके लिए हमने पर्सनली सर से कॉल करके उस पर सोल्व करवा लिए थे। बाकी जो भी लर्निंग वगैरह ये वो नियमित रूप से की थी और सब कुछ सही था, बाकी इतनी दिक्कत नहीं आई है। अच्छा, आपने कोरोना, आप युवा हैं, कोरोना के लिए जागरूकता के लिए कुछ कार्य किए होंगे, तो आपने कोरोना के रूप में मतलब किस तरह से लोगों को जागरूक किया? तो इसके लिए जैसे मतलब पहले जानकारी दी, तो उसके लिए सबसे पहले हमने टीचर्स से संपर्क किया, उनसे कुछ सलाह मशवरा किया, तो उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी कि हम घर घर जाके लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं। आसपास अगर हमारे कोई पेंटिंग या इस स्थल है जहाँ पे पेंटिंग वगैरह की जा सकती है तो उसकी वो की, उस पर स्लोगन वगैरह लिखे, गांव में जाकर जो इस महामारी के बारे में जागरूक नहीं थे उन लोगों को जागरूक किया, उनको बताया कि किस प्रकार से। आपने जो लोगों को जागरूक किया उससे कुछ बेनिफिट हुआ लोगों को? हाँ, उनको ये समझ में आया कि हमें है ना हमेशा मास्क लगा के रहना चाहिए, आसपास स्वस्थ रखनी चाहिए और दिन में हर दो दो मिनट में हाथ धोते रहने चाहिए जिससे महामारी ज़्यादा फैले नहीं। आपने अभी मास्क नहीं लगा रखा है, आप मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रहे हो, तो इस बारे में क्या कहेंगे? वो सही है बात आपकी, लेकिन अभी नहीं लगाया तो वो लगा लेंगे इंटरव्यू देने के लिए। आगे लगा के रखिए, धन्यवाद। हो गया, देख लो यार एक बार इसको।